यहाँ पे बहुत चोरी डकैती भी होता था और एलिफेंट्स वगैरह बहुत थे। बी केयरफुल, हाथी लोग यहाँ पे चलते हैं, तो देख के चलाइए। सो एलिफेंट क्रॉसिंग जोन ओडिया में लिखा है। पूछा हाथी वगैरह नहीं है तो? Hey guys, welcome back to another vlog. And today not a cycle vlog but a motor vlog. तो अभी ट्रैफिक में है और 80 सेकेंड्स है, तो सोचा कि व्लॉग का शुरुआत यहाँ से कर देते हैं। आई एम करेंटली एट द बादामबाड़ी बस स्टैंड एरिया ऑफ कटक और टाइम अभी हो रहा है 10:12 एंड द डिस्टेंस दैट आई हैव कवर्ड फ्रॉम माई होम इज 2 किलोमीटर्स। तो अभी देखा तो लगा हुआ है, स्पीडोमीटर वायर ठीक ठाक है, डिस्टेंस ले रहा है, तो मौसम भी बहुत सही है। लगभग 10:15 हो चुका है, फिर भी बहुत प्लेजेंट वेदर है, इसीलिए सोचा कि थोड़ा जाते हैं और आपको मोटो व्लॉग करके दिखाते हैं। चलो आई एम बैक ऑन द नेताजी सेतु। तो ये ब्रिज कटक को भुवनेश्वर के साथ कनेक्ट करता है, जो कि डिस्टेंस बहुत कम कर दिया है कटक भुवनेश्वर के बीच में। तो मैं जब ऑफिस में था, काम कर रहा था, आई वॉज टेकिंग दिस रोड, तो बहुत सीनिक रोड है ये वाला। तो मैं आपको वही, मैं जिस रूट से ऑफिस जा रहा था तो उसी रूट में लेके जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। और थैंक गॉड कि ये स्पीडोमीटर आज परफेक्टली चल रहा है, डिस्टेंस भी सही दिखा रहा है। तो डिस्टेंस मेरे घर से 7.2 किलोमीटर्स और स्पीड अभी 60 में चल रहा है, तो देखते हैं सही है, होप कि और ना निकले बार बार। तो ये आके पहुंच गए त्रिशूलिया में, त्रिशूलिया चौक। राइट साइड में जाओगे तो त्रिशूलिया, बांकी और बाकी सब जगह है, सातकोसिया को रूट है। तो मेरा जो सातकोसिया व्लॉग है वो देख लेना, यही रूट से जा पाओगे, हालांकि मैंने डिफरेंट रूट लिया था। एंड यहाँ पे देख सकते हो ऊपर दिखा रहा है भुवनेश्वर 18 किलोमीटर्स, नंदनकानन 6 किलोमीटर और खोर्धा पीतापल्ली 35 किलोमीटर्स। तो वो जो खोर्धा पीतापल्ली है तो वहीं पे ही मेरा ऑफिस था, मेरा ऑफिस के दो पार्ट्स थे। तो मैं अभी सेकेंड पार्ट का ये बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो सेकेंड पार्ट का जो रूट था वो बहुत सीनिक था, तो नंदनकानन का भी एक वीडियो बनाया है मैंने, तो वो भी देख सकते हो। तो ये कुछ रिवर है, पता नहीं इसका नाम क्या है, छोटा सा रिवर, लेकिन महानदी का ही ट्रिब्यूटरी होगा, क्योंकि मेन रिवर जो उड़ीसा में फ्लो करता है, मतलब कटक के आसपास एरिया में, तो महानदी ही है, तो उससे ही सब निकल के ब्रांच ये सब बहता है। तो आगे जो देख रहे हो दो डाइवर्जन है, तो यही दो रोड है, दो ऑफिस के लिए मेरा। लेफ्ट में जाओगे तो भुवनेश्वर सिटी आएगा, नंदनकानन वगैरह जा पाओगे और मेरा ऑफिस का एक हिस्सा, और यहाँ पे आओगे तो खोर्धा जा पाओगे, डेरास, डेरास डैम आता है, तो वो भी बहुत सही है। चंदका का जंगल जो है यही रूट पे आता है। तो अगर आप लोगों ने जंगली मूवी देखा होगा विद्युत जामेवाल का, तो वो चंदका के ऊपर ही बेस था, तो यही जगह है चंदका जिसके ऊपर वो मूवी बेस था। हालांकि शूट नहीं हुआ था यहाँ पे उड़ीसा में, लेकिन उड़ीसा के ऊपर ही था, क्योंकि मूवीज़ में आप देखोगे जंगली में तो वो नंबर प्लेट वगैरह सब उड़ीसा का ही दिखा रहा था और चंदका जंगल भी दिखा रहा था। तो ये जगह पहले बहुत, मतलब अभी देख पा रहे हो कितना गाड़ी है वगैरह सब, लेकिन पहले बहुत सुनसान रहता था यहाँ पे, बहुत चोरी डकैती भी होता था और एलिफेंट्स वगैरह बहुत थे। और अभी भी देखोगे फिर भी खाली रहता है, और चीता वगैरह निकले हैं यहाँ से, लास्ट ईयर ही निकला था शायद चीता। तो थोड़ा तो डेंजर है, और रात में 7-8 बजे के बाद ज़्यादा लोग जाते नहीं है, क्योंकि अंधेरा रहता है पूरा। मैं हालांकि जा चुका हूँ 8 बजे एक बार, हालांकि अभी इतना एनिमल्स नहीं है, फिर भी एलिफेंट्स वगैरह निकलते हैं, तो वो थोड़ा रिस्क रहता है। तो ये रोड का और एक प्रॉब्लम देखो, गौ माता, बहुत सारे काउज रहते हैं, तो काउडंग देख ही पा रहे होगे, तो एनी टाइम
एनी काउ कैन सडनली जंप अप इन फ्रंट ऑफ यू, तो उसके लिए थोड़ा देख के रहना पड़ता है। और पीछे भी गया एलिफेंट क्रॉसिंग जोन, ये देखो सावधान हाथी चला पाठ, गाड़ी धीरे चलांतु, इट मीन्स बी केयरफुल, हाथी लोग यहाँ पे चलते हैं तो देख के चलाइए। सो एलिफेंट क्रॉसिंग जोन ओडिया में लिखा है, तो ये किधर जा रहा है मेरे को पता नहीं, देखते हैं थोड़ा अंदर घुस के। क्या मिलेगा यहाँ पे, इधर मैं कभी घुसा नहीं हूँ। नॉर्मली मैं जब ऐसे बाइक लेके निकलता हूँ तो ऐसे मेरे को रोड्स मिलते हैं तो मैं घुस जाता हूँ। मज़ा आता है ऐसे ऑफ रोड पैच में नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट होके चलाने के लिए। क्या पता मेरे को हाथी वगैरह दिख जाए। अच्छा है कि ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है, वरना बहुत मडी और स्लिपरी होता। तो वहाँ दूर पे बिल्डिंग दिख रहा है, तो वो शायद भुवनेश्वर को जाने का रास्ता है मे बी। सही है, अरे भाई यहाँ पे कुछ बंद हुआ है, पूछते ही नहीं क्या है यहाँ पे। एडा भाई ना कौन हो, एडा कौन हो, ओहो एडी जाई हो बनी भीतर को, एडी जाई हो बनी भीतर को। तो उधर आप जो देख रहे थे जिनसे बात कर रहा था, तो उनका नाम है वीरेंद्र नायक। तो यहाँ पे ये जो राइट साइड में है ये फार्म वगैरह है, उनसे मैंने पूछा कि अंदर जा सकते हैं, वो बोले जाओ कोई टेंशन नहीं है। मैं पूछा हाथी वगैरह नहीं है तो, अकेला आदमी हूँ, वो बोले नहीं नहीं अभी कोई नहीं है, जाओ आराम से जाओ। मैं बोला सही है, फिर ऑफ रोडिंग भी अच्छा लग रहा है करने के लिए, एक नया जगह भी डिस्कवर हो गया जो कि मेरे को खुद को पता नहीं था। ये जगह से एक डेढ़ साल दो साल ऑफिस गया था। सही है भाई, बढ़िया, चलो जाते हैं। बहुत सही लोकेशन है भाई, बहुत सही। नीचे कमेंट में बताओ कैसा लगा लोकेशन, और अगर कोई ओडिशा से देख रहा है कटक से या फिर भुवनेश्वर से कोई आया है तो मेरे को कमेंट में पिंग करो ये लोकेशन के जगह का नाम, मेरे को तो पता नहीं क्या है जगह। बहुत सही व्यू है, देखो पूरा ग्रीनरी, चंद का जंगल वहाँ पे दूर में स्काई स्क्रेपर्स, कुछ बिल्डिंग्स है, भुवनेश्वरी ये पता है मेरे को पक्का। यहाँ पे शायद ये पानी भर्ती हो गया होगा ये जगह में, थोड़ा माउंटेन्स, यहाँ पे माइनिंग वगैरह शायद होता है, यहाँ पे भी पानी, दूर पे वहाँ भी स्काई स्क्रेपर्स, यहाँ पे एक रोड है, जाके देखेंगे अंदर क्या है। तो वहाँ पे और एक भाई साहब मिले, तो जिनसे पूछा तो पता चला कि ये एरिया को दारू ठेंगो बुलाते हैं। तो ये जो सब हुआ है, माइनिंग हुआ है, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। फिलहाल हाथी वगैरह कुछ है नहीं, पर वो भाई और एक भाई जो मिले थे तो वो बोले कि मे बी इन द इवनिंग यू कैन स्पॉट एलिफेंट्स। तो यही कुछ बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दारू ठेंगो करके जगह है, वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। एक भैया मिले थे वहाँ, जो पानी है दूर वहाँ पे, उन्होंने बताया। तो आज हवा भी बहुत सही चल रहा है, इसीलिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। और गाड़ी देख पा रहे होगे पीछे है, मैं ऊपर नहीं लेके आया क्योंकि रीज़न से ऐसा सब पत्थर,
बहुत शार्प स्टोन्स है यहाँ पे, ला सकता था हालांकि, लेकिन सोचा क्यों बेकार में टायर को तकलीफ देना। यहाँ पे टाइम लैप्स भी चालू है, लेकिन आज शायद अच्छा टाइम लैप्स ना आए क्योंकि बादल जो है मूव नहीं कर रहा है, और जो मूव कर रहा है वो थोड़ा डार्क क्लाउड्स है। यहाँ पे थोड़ा पानी है, मॉनसून में पानी और थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये पानी डाउनहिल बह के वहाँ पे दूर पे आपको दिख रहा होगा तो वहाँ जाके पहुँच जाता है, जो कि नंदनकानन के पास है। पीछे जो ग्रीनरी देख रहे हो वो नंदनकानन का ही एरिया है, तो चंदा का एंड वहाँ पे करता है। नंदनकानन का एक बाउंड्री दिख रहा है मेरे को, ग्रे कलर का स्ट्रक्चर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बहुत दूर है। सो दैट इज़ द नंदनकानन बाउंड्री। तो अगर आपको पता नहीं नंदनकानन क्या है तो मेरा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके देख लेना वो वीडियो। नंदनकानन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया, बहुत सही है, वेल मेंटेन्ड और बहुत एनिमल्स वगैरह आपको मिलेंगे। तो कभी आओगे तो उड़ीसा नंदनकानन जाना। निकलते हैं हम यहाँ से क्योंकि और शायद किधर जा नहीं पाएंगे, वैसे ही सब जगह है इस तरह का। तो अभी रिसेंटली तापंगो करके एक जगह है खुर्दा में, तो जो कि बहुत हिट हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स जाके वहाँ पे बना के आए हैं। वो भी एक माइन एरिया है लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये वाला गवर्नमेंट का है, तो इसीलिए शायद खुला है, जो भी चाहेगा तो आ पाएगा। आना अगर आओगे तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा जगह, और कोई अगर पहले आ चुका है इस एरिया को अंदर तो भी बताना कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कैसा लगा था। तो ये एंगल कैसे लगा मेरे को बताना, और अच्छा लगा तो लाइक मार देना। तो ये और एक व्यू, मैं वहाँ पे पहले था, और यहाँ पे और एक व्यू, यहाँ पे पानी थोड़ा है। तो भाई पीछे देखो, वेदर देखो, बारिश कितना ज़ोर से आ रहा है और लिटरली कोई नहीं है यहाँ पे, पूरा खाली मैं, हिमालयन और ये व्यू, बहुत सही है। अगर होगा तो बहुत ज़ोर से होगा, पहले यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ ही मेरे पास ही ब्लैक क्लाउड्स है, तो बाहर निकल जाएंगे तो वहाँ पे खाली खाली है। चलो बाहर जाते हैं पहले यहाँ से। तो गाइस मेरा GoPro जो है वो माइक के साथ वाटरप्रूफ नहीं है, सो एज यू कैन सी तो यहाँ पे पॉलीथीन कवर चढ़ा दिया है GoPro के माइक के ऊपर, GoPro को अंदर रख दिया है क्योंकि एडाप्टर वगैरह कुछ भी वाटरप्रूफ नहीं है, तो बेकार में ख़राब हो जाए, इसीलिए मैंने प्रिकॉशन ले लिया। जिस जगह घुसा था डाइवर्जन लेके दारू ठेंगा करके, वो जो माइन था तो वो विलेज का एरिया है, एक्चुअली विलेज में माइन था, तो वहाँ से निकल चुका हूँ, वापस मेन में रोड में आ चुका हूँ, और अभी तक डिस्टेंस कवर किया है 19 किलोमीटर्स मेरे घर से। आपको प्लान था कि यही रूट पूरा आगे जाके दिखाओ, पर क्या कर सकते हैं, ऐसे में हिमालय लेके निकलता हूँ तो पूरा ट्रिप मेरा प्लान इधर उधर हो जाता है, अनप्लान्ड हो जाता है। जिन लोगों ने मेरा कपिलास का वीडियो लास्ट ईयर का देखा है तो उनको पता होगा, डाइवर्जन देख के मेरे को अंदर ऐसे घुसने का चुल रहता है, तो सही है। अगर यार आगे नहीं जा पाऊँगा आज क्योंकि बारिश शुरू हो गया है, और अभी जो टाइम चल रहा है ये वायरस के चक्कर में मैं भीगना नहीं चाहता बेकार में। और यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और शेयर कर देना चैनल, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो प्रतीक जैना, कुछ DM करना जो डाउट क्वेरीज है और लाइव अपडेट्स के लिए। बाकी सब बढ़िया है, वापस घर जाते हैं और शूट नहीं कर पाएंगे, बारिश थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। मिलते हैं फिर से आपको और किसी नए व्लॉग में, चलो स्टे सेफ, बाय बाय। यही बड़े गले हो तो हाथी माती नी हुए तो किसी नहीं तो मैं एमती बुली बुली वीडियो रिकॉर्ड करे, यूट्यूब रे चैनल अच्छी तो रेकर्ड कर करी पकाए आओ। हाँ सब रेकर्ड कर तुम्हें भी आस बुल बुल के रेकर्ड कर जुआड़ जुआड़ गाड़ी नहीं जाए आओ। चैनल देखी दबनी
ट्रैवल विद पीजे। हाँ मारे की सब्सक्राइब मार दे वीडियो पके मु दि तीन दिन देखियो तुम्हें भी आसीबा।